हाउ टू फाइंड लोवेस्ट प्राइस प्रोडक्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप कम प्राइस वाले प्रोडक्ट को इजीली खोज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कम प्राइस वाले प्रोडक्ट आपको खोजने के लिए सबसे पहले जो भी आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं लेना है आपको, उसको आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुझे टी शर्ट लेना है, तो मैं टी शर्ट सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको रैंडम प्राइस वाले टी शर्ट आ जाएंगे अलग अलग दाम। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपका फर्स्ट तरीका है जिससे आप एकदम लो प्राइस वाले प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लो टू हाई पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले लो प्राइस वाले प्रोडक्ट आएंगे, बाद में धीरे धीरे हाई हो जाएंगे, लो टू हाई, और वही हाई टू लो कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी लो प्राइस वाले प्रोडक्ट हैं या टी शर्ट हैं, यहाँ पे एक आ गए हैं। देख सकते हैं आप, 124 रुपीज़ के टी शर्ट हैं। तो मैं अभी बाई नहीं करने वाला हूँ, आप लोग चाहे तो खरीद सकते हैं। सेकंड तरीका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक और प्रोडक्ट सर्च करना है, जैसे लैपटॉप, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। तो इस ट्रिक में आप पता लगा सकते हैं प्रोडक्ट की हिस्ट्री, कब किस समय उसका प्राइस कितना था। तो इस ट्रिक से आप पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम दोस्तों प्राइस हिस्ट्री है। उसको यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने में यही वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसको ओपन करके आपको इसमें अकाउंट बना लेना है गूगल से। तो मेरा अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे मुझे लैपटॉप लेना है, यहाँ पे लैपटॉप सर्च कर लिए, और यहाँ पे इसका लिंक, जो मान लीजिए इसका पता लगाना है, हिस्ट्री इसका चेक करना है, कब क्या प्राइस था, सबसे लोएस्ट प्राइस कितना था, सबसे हाईएस्ट प्राइस कितना है। तो यहाँ पे आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। अगर वह ऐप डायरेक्ट यहाँ से आपको शो करता है तो यहीं पर क्लिक कर दीजिए। तो मेरा शो नहीं कर रहा था, यहाँ पर कॉपी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे साइड में आपको कुछ लिखा हुआ है, इसको आपको कट कर देना है। तो चलिए हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रैक प्राइस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक मैजिक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले इसका लोएस्ट प्राइस कितना था। तो आप लोग इसको फेक मानोगे, क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट प्राइस 40 रुपीज़ लिखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, यह फ्लिपकार्ट का बग होता है कभी कभी। तो वहाँ पे ये जो प्राइस है वो कभी कभी 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ ऐसे आ जाता है यहाँ पे फ्लिपकार्ट के बग के चलते। तो करेंट प्राइस इसका इतना है, और हाईएस्ट प्राइस इसका एक समय था जो इतना हो गया था, और यहाँ पे एवरेज प्राइस इसका इतना रहता है। तो यहाँ पे आप इसकी डेट बाय डेट प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 17 मई को इतना था, 25 मई को इतना था। जितना आप अगर पीछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो और एक और ट्रिक है, यहाँ पे अगर आप सेट प्राइस अलर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऐड देखने को मिलेगा, उसको आपको कट कर देना है। यहाँ पे जब ऐड देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आप सेट प्राइस अलर्ट पर जब क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार प्राइस लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको सेट कीजिएगा तो आपको यह मैसेज भेज देगा कि इतना प्राइस हो चुका है, आप जाकर प्रोडक्ट ले लीजिए। जैसे मुझे लोएस्ट प्राइस कर देना है यहाँ पे 5000। अगर यहाँ पे मैं सेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन में भेज देगा कि इसका प्राइस अभी इतना है, जाकर जल्दी से खरीद लीजिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी हिस्ट्री देख सकते हैं। जब इसका लो प्राइस हो तो यहाँ पे आप सेट रिमाइंडर लगाकर आप इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, हमें सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।